प्रणाम आलम फेर से चौकी बाजी कर पढ़ुआ कका के अंतर्जालक चौकी पर से चौकी बाजी श्रृंखला के आई आठम प्रस्तुति विषय के शुरुआत तो जानबे करी छे। चौकी बाजी के मतलब होइ छे जे गप जेम्हरे निकले तेम्हरे लऽ जाए। काठमांडू में जाड़ बढ़ल छे, अपना सब उम्र से जाड़ तो बढ़ले हेतै। कई दिन से सुनै छियै जे झाँप तोप केने रहैए, रौदो नीक से नहीं उगैए, रातिके तऽ आओर बेसी ठंडा रहैत हेतै। घूर तापके पराती गाबके कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ। ठंडा से सवेर में पहिने पहिने गाम घर में तीने चार बजे से सुनाई पर लगे छले, तकर बाद से लोक सब जमा होबे के शुरू भ गेल घूर लंग। अखन ओना आब कनि रमझम हेतै। जनकपुर में तो विवाह पंचमी के आई December 17, 2020 के बृहस्पति दिन पूस मासक दू गते बृहस्पति के जे हम ई रिकॉर्डिंग कऽ रहल छी, शुक्र काल्हि मटकोर हेतै, तकर बाद विवाह पंचमी छै। तऽ आजुक चौकी बाजी के विवाह पंचमी के पवित्र अवसर पर एक बेर फेर जाति पाति के कुसंस्कार पर एकटा टिप्पणी जका टिप्पणीए कह पड़लै, एकरा आओर तऽ की कहबै। स्वामी रामानंद जी के समर्पित छै आइ के गपसप। स्वामी रामानंद जी के बारे में बहुतो लोग तो सुनने हेबे, जनकपुर में रामानंद चौक बनल छै, हाथी के दांत सन के द्वार द्वार छै। तो द्वार के अर्थ होइ छै जे प्रवेश केनाइ, प्रवेश केनाइ के अर्थ भौतिके नहि होइ छै, जे शहर में प्रवेश के लिए रामानंद द्वार के अर्थ होइ छै, जे रामानंद के जे दर्शन छै ओहू में यदि प्रवेश करी तो जनकपुर प्रवेश के अर्थ भेलै रामानंद द्वार के, से अर्थ छै। कते गोटे से बुझै छियै फिर विवाह पंचमी छै, कन्यागत छी तो कनि समदान जका लागत आइ के प्रस्तुति। समदान में की होइ छै, कन्यागत पक्ष के देखबै। आब किशोरी जी तो बेटी भतीजी बहिन अपना सबके तो मिथिलावासी के से है, दुनिया भर के माँ है अपना सबके बेटी बहिन जे कही। तो कन्यागत के की होइ छै जे विवाह में एकटा दुख सुख के मिश्रण होइ छै, जे कि समदान में गायल जाइ छै विदाई के समय में। दुख आ सुख दुनू, सुख एहि हिसाब से जे बड़ा भाग्यवान जिनका घर में बेटी जन्मे, जे संगठित समाज छै ओकर प्राथमिक इकाई परिवार छै, आ परिवार के आधार जे छै से विवाह छै, आ विवाह के आधार प्रजनन के आधार नर आ नारी छै। तकरा यदि मानि लेबै विवाह के, तहन विवाह बनि जाइ छै संगठित समाज के प्राथमिक संस्कार। आब तऽ ओना एके लिंग में सेहो विवाह के अनुमति कानून देबे लगलै, तकरो बुझियौ जे संगठित समाज के इकाई छै। तऽ विवाह संगठित समाज के आधारभूत संस्कार छै, जन्म के बाद के महत्वपूर्ण संस्कार। तऽ एहिमे एकरा एहि समय में किछु सुख आ दुख के मिश्रण भेनाइ स्वाभाविक छै। जीवन तऽ सुख दुख छै नहि, खाली सुखे सुख आ खाली दुखे दुख यदि हेतै तऽ न दुख वाला के सुख के अनुभूति हेतै, न सुख वाला दुख के बुझ सकतै, आ किछो बुझि नहि सकतै, तब तऽ ओ तऽ पाथर भ गेलै। जीवन छै तऽ सुख दुख छै, तऽ विवाह ओकरा बड़ा नीक से प्रस्तुत करै छै। तऽ जनकपुर के रामानंदी संप्रदाय के वैष्णव संप्रदाय के जे छै से एकटा बड़का तीर्थस्थल मानल जाइ छै जनकपुर के। आ रामानंद जी के बारे में यदि कहबै जे ओ के छलाह, ओना तऽ आब तऽ सुनै छियै जे हुनको जयंती मनाओल जाइ छै, लेकिन हुनकर जन्म के समय जे छै से इतिहास के साबित कयल प्रमाणिक आधार पर नहि छै। कहल जाइ छै जे 13वीं शताब्दी के शुरू में, क्योंकि कहै छै 13वीं ईस्वी सन में, तऽ हुनका हुनका सन के महान व्यक्ति सबके जन्म नहि होइ छै। ओ
प्रकट होइ छथिन आ जन्म जे होइ छै से प्रकट भेनाइ होइ छै आ मृत्यु जे होइ छै से अलप भेनाइ होइ छै। व्यक्तिगत जीवन में कहबै तो सवेर में जब उठै छियै तो ओ जन्म के प्रतीक छै आ सुतै छियै तो मृत्यु के प्रतीक छै। तो प्रत्येक दिन ई प्रकट भेनाइ या अलप भेनाइ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होइत रहै छै। हमर बाबूजी पढ़ुआ कका हुनका कहै हुनकर भतीजा सब पोता सब पढ़ुआ बाबा तो सवेर में उठथिन तो हुनकर हमर सब हमरा सब पंक्ति याद नहीं है लेकिन वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कह के उठथिन। नारायण के जो स्वरूप छै पालन करता तेकरा याद क के से उठनाइ आ सूत से पहिने साँझ में गबथिन पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पूर्णपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। बेर बेर जन्मनाइ बेर बेर मरनाइ माय के गर्भ में शयन ऐ संसार के पार गेनाइ बहुत कठिन छै। हे कृष्ण हे मुरारी ऐ आवागमन से मुक्त कर दिया। तो जीवन में प्रकट भेनाइ या अलप भेनाइ ई त भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते से कहल गेल छै। ई प्रकट रामानंद प्रकट भेलखिन 14वीं शताब्दी में आ ओहि प्रकटे के हिसाब से महाभारत में श्रीमद् भागवत गीता में आखिर श्री कृष्णो कहै छथिन परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म हरेक युग में लै छै से नहि कहै छथिन संभवामि प्रकट भेनाइ के छै। त ई रामानंद जी प्रकट भेल रहथिन जन्म हुनकर प्रकट हुनकर उत्तर भारत में भेलै लेकिन जे वैष्णव संप्रदाय भक्ति संप्रदाय जे रहै से त दक्षिण से आयल रामानुजाचार्य के प्रतिपादित कैल कहै छै कहावत छै जे द्रविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद। त ओ रामानंद जी के अपना क्षेत्र में आयल आ मिथिला में एकटा बहुत महत्वपूर्ण जगह जनकपुर रहल छै। त रामानंद जी के जे भक्ति संप्रदाय में जात के कोनो महत्व नहीं छै ते लेल हम कहलहुँ हँ सातम चौकी बाजी में अम्बेडकर के समर्पित आ आठम चौकी बाजी रामानंद में के समर्पित। रामानंद के संप्रदाय में वैष्णव संप्रदाय में भक्ति में छुआछूत के ऊंच नीच के जात पात के नर नारी के विभेद सबके ऐ सबके कोनो स्थान नहीं छै। रामानंद जी कहै छथिन जात पात पूछे नहीं कोई हरि के भजे सो हरि के होई। तो तै के चलते जात पात के एकटा भक्ति आंदोलन में कहबै तो परंपरा रहल छै भक्ति आंदोलन में ओहिसँ पहिने जाऊ तो बौद्ध धर्म जात पात के विरोध केने छै जैन में जात पात के व्यवस्था नहीं छै। 11वीं शताब्दी के गुरु गोरखनाथ के लिए रामानुजाचार्य के लिए सब जात पात के विरोधी बसवन्ना कर्नाटक के 12वीं शताब्दी के एकटा दार्शनिक कवि शिव भक्ति लिंगायत आंदोलन के प्रमुख प्रचारक ओहो त जात पात के विरोध केने रहथिन कबीर तुलसी रैदास नानक। तो ई अइ क्षेत्र के बहुतो एहन में जात पात के विरोध के परंपरा बहुत पुरान छै। ओहुना भगवाने के नाम लिए तो राम के कोन जात मिथिला के छी तो मिथिला अधिकार बनैए जमाय छथिन तो अब हम सब तो नहीं लेकिन मिथिला के नारी के पूछे के अधिकार बनै छै आ गीत में पूछे छथिन एक भाई गोर किया एक भाई कारी पूछत मिथिला के नारी। तो राम जी के जात कौन यदि पालन पोषण के हिसाब से कहबै तो कह सकै छी जे रघुकुल में दशरथ कैकेयी क्षत्रिय कुल राजकुल कह सकै छियै मुदा हुनकर जन्म तो खीर खा के भेल छै ने कौशल्या के पेट से।
जँ खीर खाके भेल छै तऽ ओ खीर श्रृंग ऋषि के नियमसँ बनाओल गेल कारी वर्ण के, तऽ की ओ नागवंशीय रहथि, श्याम वर्ण के द्रविड़ रहथि, अनार्य रहथि, आर्य तऽ नहि भेलै। तऽ ई जातिके बात सब भगवान ऊपर छथिन। तहिना किशोरी जी कोन आश्रम के, किशोरी जी के जाति की, हर जोतक काल में राजा जनक के खेत में भेटलखिन, जमीन से उत्पन्न भेल, माइट से उत्पन्न भेल। तो माइट से उत्पन्न भेल वो हर जोतक, मान लिये राजा जनक के स्थान पर ओहिठाम के दोसर जाति के लोक गेल रहते, तो जत हुनकर पालन पोषण होते शायद वही जाति के होते थे न किशोरी जी, सियाजी तो वही जाति के होते थे, तो हुनकर जाति की। लेकिन आप की कहबे, जाति पाति के तक भ गेल छै, संस्कार कहे छले जे सुसंस्कृत होए, लेकिन संस्कार के रूढ़ी में बदल देने छै, ओकरा त आप फैशन बनाने जाय छै। सुनै छियै जे आप जानकी जी के सेहो बर्थडे मनायल जाय छै, एबर जनकपुर में कहाँ दोन सुनल बात है, प्रमाण त नहीं भेटल, लेकिन प्रमाणिक लोग सब कहे छथि जे जानकी जी के जन्मदिन पर जानकी नवमी में केक कटल है आ प्रसाद में केक बटल है। तब संस्कार के आधुनिकीकरण भ रहल है, जनकपुर के उल्टा पुल्टा प्राथमिकता, टॉपसी टर्वी कहे छे अंग्रेजी में, जनकपुर के मेयर साहब निक काज कर रहल छथि, प्रदेश दू के मुख्यमंत्री जी के सेहो सुने छन जे निक काज हुनको भ रहल छन। लेकिन जनकपुर के कोन किसिम से ओकरा आध्यात्मिक नगरी, जनकपुर के धाम कहल गेल छे, पूरे नहि छे, धाम छे। धाम के अर्थ होइ छे जत के माइट पवित्र होइ, ओहिठाम पैर दी, ओहिठाम के हवा में सांस ली, ओहिठाम के पानि पीबी तो पुण्य होए, से धाम होइ छे। तो जनकपुर के धाम के स्वरूप कोना कायम राखल जाए, वही के लेल सड़क चौड़ा कने तो नहीं हेतै, नया नगर बनतै लेकिन धाम नहीं भ सकैया। सड़क चौड़ा जरूर करी, लेकिन बेसी से बेसी सड़क एहन होइ जेठम पैदल यात्री सुरक्षित होइ, सड़क पैदल यात्री के लेल होइ, तीर्थालु के लेल होइ, गाड़ी के लेल नहीं होइ। हाँ, आधुनिक शहर बनल छै तो एम्बुलेंस आ दमकल निकल जाए, ततेक चौड़ाई तो सड़क के चाही, मुदा सड़क के चमचमाइत पीच के नाई, लालू यादव के भाषा में कोनो हिंदी फिल्म के नायिका के अंग से तुलना के तते चिक्कन होइ से जरूरी नहीं छै। पीच के बदला में, कंक्रीट के बदला में जो ईंटा के सड़क बनाबे तो की हेतै, ओहिठाम पानि भीतर जेतै। किसिम किसिम के जतबे अधिकार व्यक्ति के छै, मनुख के छै, ओतबे अधिकार कीड़ा मकोड़ा के, जलचर के, पंछी के, सब के छै। घास जन्मतै, ओकरा उखाड़ी हो कोनो बात नहि, लेकिन घासो जे पृथ्वी जखने कहबै जे सब किसिम के उड़ वाला पक्षी से ल आ नीचा रह वाला और जीव सब तक के छै, चाली होय, चुट्टी होय, सब के छै। तो ओहिसे प्रिय होब वाला कम से कम जे हस्तक्षेप कर सकी तेहन जमीन के बचनाई जरूरी छै। ओहि के लेल वृक्षारोपण के बढ़ाओ, ओहि के लेल पोखरि सबके सर सफाई पर ध्यान दियौ, बेसी से बेसी ईंटा सड़क पर बिछावा सकै छियै, खरंजा जकरा कहै छै, जेठम बड़का गाड़ी जेतै ओहिठाम तऽ खरंजा नहि राख सकै छियै ने, ओहिठाम तऽ पीच करही पड़त। लेकिन सकभरि यूरोप के जे पारंपरिक शहर में जेबै तऽ अहाँ देखबै जे बेसी सड़क सबके आप बनाबि रहल छै जे सिर्फ पैदल यात्री के लेल, गाड़ी के प्रवेश निषेध। यूरोपो में नहि, गान्तोक सन शहर में अहाँ जेबै तऽ मुख्य सड़क ओहिठाम के जे छै तकरा बना देने छै जे सिर्फ पैदल यात्री के लेल, तऽ ओहिसे पवित्रता जे छै से कायम रहतै। आ एहिठाम जनकपुरे के बात करैत करैत एकटा कोनो प्रस्ताव अयलै, हम
शायद हुलाकी न्यूज में पढ़ने रहिए, जे बरबीघा में जानकी जी के बड़का एकटा मूर्ति बनाबे के बात भ रहल छे, 300 फीट ऊंचाई के मूर्ति आब लिया 300 फीट ऊंचाई के मूर्ति जे बनाबे तो 30 डिग्री के हिसाब से देखियो तो कम से कम 450 फीट जगह चाहिए ओकरा देखो के लेल। तो 12 बीघा में बाकी की रह गेले, 12 बीघा जे छै से खाली जमीन नै छै, ओ एकटा अंग छै, रंगभूमि कहै छै। रंगभूमि के अर्थ होइ छै जैठम लीला प्रकट होइ, तो लीला के स्थल छै। लीला के स्थल, सार्वजनिक स्थल, विवाह के जे किछु सम्पन्न होइ छै। एबर तऽ सुनै छियै जे अयोध्या से बराती नै एतै, तऽ कोविड के समय छै, कोनो बात नै, संतोष ओहिपर कयल जा सकैए, प्रतीकात्मक रूप में विवाह हेतै। तऽ विवाह, पंचमी के मेला, पूर्णिमा के मेला, रामनवमी के मेला, से रंगभूमि छै, ओ रणभूमि नै छै। तऽ सीता के मूर्ति जे धनुष लऽ कऽ बनेबै, ओ तऽ रणभूमि के वातावरण देनाइ अथवा मनोरंजन के, आधुनिक डिस्नेलैंड। पता नहीं ककरा ई बुद्धि एलै, ई मोदियाल बुद्धि, जना मोदी गुजरात में सरदार पटेल के मूर्ति ठार कऽ देलखिन। भारत के एकता के लेल सरदार पटेल के मूर्ति नहीं चाही, गांधी के जे स्मृति छै से जमीन पर छै, मूर्ति बड़का बना कऽ नहीं छै। ई मूर्ति बनेनाइ जे छै से की भ जाइ छै, जे एकटा कर्मकांड में परिणित भ जाइ छै। भारत के एकता के मजबूत बनाबे के लेल तऽ भारत के आर्थिक अवस्था सुधार होइ, भारतीय सब में ऐक्यबद्धता निर्माण होइ, भाषिक एकता निर्माण होइ, एकटा काज जरूर सरदार पटेल के ने हथिन। मूर्ति बना कऽ की भेलै तऽ ओहिसँ भारत के गरीबी निवारण में कोनो सहयोग नहि भेटलै, चीन के गरीबी निवारण में भारत के सहयोग भेलै, जे पूरा मूर्ति सब किछु चीन से एलै। तहिना मिथिला में जानकी जी के मूर्ति बना कऽ मिथिला के गौरव मूर्ति बना कऽ नहि बढ़तै, मिथिला के गौरव ऐक्यबद्धता निर्माण कऽ कऽ, संस्कृति निर्माण कऽ कऽ बनतै। आ नहि जँ ककरो इच्छाए होइ जे 400-500 करोड़ के मूर्ति बनाबे के अइ, तऽ कम से कम परिक्रमा सड़क से तो बाहर लऽ जाओ, सके तो अखन के जनकपुरे से बाहर लऽ जाओ, धनुषा जका कोनो जगह ततः लऽ जाओ, जत चाहे जलाद के नदी के कोनो ऊपरी भाग में, दूधमती के ऊपरी भाग में जत बैराज बना कऽ किछु पानि रोकल जाय। 12 बीघा किया, 120 बीघा जमीन में बनाओ, जाहिठाम एकटा झील होइ जाहिमे नौका बिहार भ सकै, फुलबारी एहन होइ जे मिथिला के गौरव जका बुझाइ, आनंद वन होइ जे वन में जाइ विचरण करी तऽ आनंद होइ, जाहिठाम मृग विचरण कऽ सके ओहिठाम एकटा पिकनिक स्पॉट बनै। तऽ तेहन बाहर 400-500 करोड़ के किनको यदि आइकाल्हि कहै छै ने जे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जे कोनो लगानी करता आ स्थानीय सरकार वा प्रांतीय सरकार के सहयोग में तेहन योजना बनाबे के तऽ जरूर लऽ जाउ, मुदा ओकरा जनकपुर के कम से कम परिक्रमा क्षेत्र में नहीं रखियो। ओकरा भव्यता विकार कहै छै वास्तुकला में, जे अहाँ एहन भव्य एडिफिक्स कॉम्प्लेक्स एतेक बड़का बनाब, अपन नेपालमे आइकाल्हि बड़ा फैलल छै, एकरा हम ओली विकार कहै छियै, जे कथी कहै छै भूकम्पसँ जे क्षति भेल रहै तऽ जनता के घर दोसर प्राथमिकता, धरहरा पहिल प्राथमिकता। जनता के घर बनै चाहे नहि बनै, अस्पताल बनै चाहे नहि बनै, आ व्यू टावर जगह जगह पर बनत, विकार से मुक्त भेनाइ जरूरी छै। जनकपुर में कहलन और फैल रहल अइ, 300 फीट के किशोरी जी के मूर्ति बनाबे के मुदियाल बुद्धि, बिहार कुंड के सुनै छी जे कंक्रीट कऽ के देल गेलै। हम इंजीनियरिंग पढ़ैत रही तो हमरा सबके समय में सिविल इंजीनियरिंगो में एक विषय वास्तुशास्त्र पढ़ पड़े, ओहिमे एकटा लगभग शुरुए में कहे
जे वास्तुशास्त्र के आधार की होइ छै, आधार होइ छै जहाँ कोनो चीज डिजाइन करी तो ओहिमे सत्य होइ, सत्य की होइ छै जे उद्देश्य के लेल होइ छै से उद्देश्य परिलक्षित होइ, ओहिमे संतुलन होइ, ओहिमे अनुक्रमण अनुक्रम होइ, सद्भाव होइ, नियम होइ, नैतिकता होइ, न्याय होइ। ई प्राचीन मिस्र के एकटा देवी मात कहल जाइ छै, माते अपना सबके बुझियौ न, से प्रकृति अही आधार पर चलै छै। मिस्र के जे देवी रहथिन ओ प्रकृति के अही आधार पर चलबथिन, जे ट्रुथ, बैलेंस, ऑर्डर, हार्मनी, लॉ, मोरालिटी एंड जस्टिस अंग्रेजी में। तो वही जना प्रकृति के देवी ब्रह्मांड के एकटा सत्य, संतुलन, अनुक्रम, सद्भाव, नियम, नैतिकता आ न्याय के आधार पर डिजाइन कयने छथिन। तहिना कोनो शहर के डिजाइन होइ, कोनो नगर के डिजाइन होइ, कोनो स्थायी संरचना के डिजाइन होइ, तो ओहिमे ई अवयव रहे सत्य के, संतुलन के, अनुक्रम के, सद्भाव के, नियम के, नैतिकता के आ न्याय के। तै दृष्टिकोण सँ जे देखियौ तऽ जनकपुर मे कम से कम परिक्रमा सड़क के भीतर मे जानकी मंदिर से ऊंच संरचना नै बनै। ह्यूमन स्केल कहै छै एकटा फेर आर्किटेक्चर के शब्द आनब, जेकि काठमांडू मे अहाँ देखबै पुरान पशुपति के मंदिर देखियौ, या पाटन दरबार स्क्वायर मे कृष्ण मंदिर देखियौ, भारत मे खजुराहो के मंदिर देखियौ, काठमांडू मे भक्तपुर के दरबार स्क्वायर या काठमांडू दरबार स्क्वायर। कहै छै ह्यूमन स्केल के मतलब होइ छै जे सिर उठा के जो मंदिर के शिखर देखी तऽ पाग माथ पर सँ नहि गिर पड़े, टोपी नहि गिरे। ओहिके लेल ई जरूरी छै जे जतेक ऊंच मंदिर छै कम से कम ओतेक खाली जगह चारू कात, जकरा कि ज्यामिति के भाषा में कहै छै 45 डिग्री के कोण, सके तो 30 डिग्री के कोण, वैसे डेढ़ ही जगह खाली होई जतः से कि भक्त जन शिखर के दर्शन आ ओकर आधार के दर्शन एक साथ कर सकैत। से जे होई तो ऊ जे हेतै ह्यूमन स्केल, मानवीय स्केल में डिजाइन कयल जाय छै। तो जानकी मंदिर के चारू कात देखियौ तो परिक्रमा सड़क के भीतर कम से कम तो एतेक तो कर सकै छै ने, जे परिक्रमा सड़क के भीतर जानकी मंदिर से उच्च कोनो संरचना नहीं बनै, जानकी मंदिर के चारू कात, राम मंदिर के चारू कात, बिहार कुंड के चारू कात, दशरथ तलाव के चारू कात, गंगा सागर के चारू कात ऊंच संरचना से बची, ह्यूमन स्केल में जाए, इतने तो कहल जा सकै छै ने। आ विवाहक बात छै, जानकी जी के बात छै, तो हम खाली इंजीनियरिंग के बात करब तो नहीं भेले। जानकी जी से जोड़ल बहुत बात सब में एकटा जे छै से विरह के बात जे हम कहने छी, विदेह नगर में राम जी के अनुरोध करल गेल, कयल गेल छै विवाहे के समय में, हे पहुना मिथिले में रहुना, जे आनंद विदेह नगर में देह नगर में कहुना। विदेह नगर तकरा कहल गेल छै जैठम भौतिकता से बेसी आध्यात्म के महत्व है, देह नगर ई छै जैठम भौतिकता के महत्व बेसी छै। तो देह नगर छै अयोध्या, भौतिकता छै, लेकिन जनकपुर से छै मिथिला जे छै से नगर छै से विदेह नगर छै, आध्यात्म के नगरी छै। तो ई पाहुन के अनुरोध करय वाला, लेकिन वो अनुरोध प्रकृति के नियम कहलहुँ जे जन्म छै मृत्यु छै, प्रकट छै तो अलप छै, सुख छै तो दुख छै, दिन छै तो रात छै, इजोत छै तो अन्हार छै। जानकी जी के बारे में एकटा हमरा संग में एकटा पुस्तक है, उल्टा अहाँ सबके भ जायत, एहिमे हम फ्रंट फेसिंग कैमरा से प्रस्तुत करय पड़ि रहल है, किया तो हमरा ओतेक जानकारी नहि एक चलाबा के आ ओतेक सुविधा नहि है प्रविधि के फोन से। ई पुस्तक के नाम छै जन जनक जानकी, संपादक छथिन सच्चिदानंद वात्स्यायन। हमरा सबके पुस्ता के लोग तो हिनकर नाम बहुत सुनने हेबे, अज्ञेय कहिक दिनमान साप्ताहिक रहे, ओकर संस्थापक संपादक, हिंदी के प्रसिद्ध
कवि, गद्यकार, उपन्यासकार, भारत के स्वतंत्रता सेनानी, तो संपादन कयने छथिन। एहि पुस्तक में बहुत बात है, लेकिन हमरा जे सबसे नीक लागल है, बहुत नामी लेखक सब ई अयोध्या से लग चित्रकूट होइत, जनकपुर होइत गेल छथिन, एहिमे एकटा मिथिला के बेटी कह पड़त, उषा किरण खान के लेख छै, सीता जन्म बिरोगे गेल, राज पाठ किछ नहि मेल, सीता जन्म बिरोगे गेल। बहुत नीक से व्याख्या कयने छथिन सब बात, तो फिर हमर आधा घंटा में घंटी बाज लगे फोन में, लेकिन एकटा सीता जी जाइत पाइत से ऊपर रहथिन, जहिना राम लला जाइत पाइत से ऊपर खीर खा के जन्मल, तो सीता जी तो माइट से जन्मल। तू कहे छथिन एकटा गीत के, मिथिला के गीत के व्याख्या केने छथिन, जे केना सीता जी वो सब वर्ण के, सब जाइत के, सब के बेटी छथिन। वही से तो आयल छै अपना सब में मिथिला में प्रचलन, जे नैहर जे होइ छै गाँव के बेटी सब के बेटी होइ छै। तहि से तो हम कहै छी जे जानकी जी हमरा सब के बेटी, संसार के माय हमरा सब के बेटी। तू कहे छथिन एकटा हम एकरा पढ़ के सुनाब, गोर लागी पैया पड़ी बलमा मलहबा, हे कनि सुनू बतिया, सिया बिरोगल बोल में ठार, हे कनि सुनू बतिया, जाल महाजाल फेंकियो सोया बझयो, हे कनि सुनियो बतिया, मछरी के रूप सिया लाओ, हे कनि सुनियो बतिया। मलाह के मलहिन कहे छथिन अपन पति के, जे माछ के रूप में सीता के लाओ, तहिना गीत गबै छथिन जे नहरनी के रूप में सीता के लाओ, नाउन कहे छै ब्राह्मण, ब्राह्मण के ब्राह्मणी कहे छथिन जे पोथी के रूप में सीता के लाओ, आ क्षत्राणी छत्री के कहे छथिन आगि लगौ बज्जर खसौ बलमा छतरिया, रे कनी सुनले बतिया, सिया के पलंगा बैसाऊ, रे कनी सुनले बतिया, जौ सिया बन में रहती बलमा छतरिया, रे कनी सुनले बतिया, खलड़ी के ढोलबा मढ़ाओ, रे कनी सुनले बतिया। जखन मिथिला में खबर अबै छै जे जानकी जी के, गर्भिणी जानकी जी के अफवाह के बल पर राजा राम जंगल पठा देलखिन हँ, तो क्षत्री के क्षत्राणी कहे छथिन जे बजा कहाँ हमर बेटी के आनि के पलंग पर बैसाओ, आ नहीं ओतेक बल नहीं है तो अपन जे चर्म है खलड़ी ओकर ढोल मढ़ा लिए, ओतबे शक्ति नहीं है, तो बेटी के लाओ, हमर बेटी चाही। तो अ किस्म के सब वर्ण के बेटी के, लेकिन हुनको आखिर जन्म जे छै से राजपाट किछ नहीं मेल, सीता जन्म बिरोगे गेल। तो ई सीता के बहुत बात छै मिथिला में, अखनो कहे छै जे ओ हम कहबे बात किया कहब, उषा किरण जी हमरा से बहुत नीक भाषा से एकटा गीत के द देने छथिन, एहि में बाबा हो मोरा कटबी गढ़ाबहु, कटबी में मोरा गुजबलगा दहू, पन्ही पहिरह पगड़ी पहिरह, बाबा हो श्याम दुल्हा ला दहू, उत्तर जइह दक्षिण जइह, उत्तर जइह दक्षिण जइह, पूरब से एगो दुल्हा ला दहू, पश्चिम भर मत जइह हो बाबा, उत्तर से एगो दुल्हा ला दहू। जानकी जी के अतेक दुख देख कहे छथिन जब पश्चिम नहीं, विवाह पंचमी दिन विवाह नहीं होइ छै अपना सबके मिथिला में, अगहन महीना में विवाह नहीं होइ छै, जबकि हमरा याद है बच्चा में ये बात पहाड़ से नहीं होइ छलै, विवाह के लेल पहाड़ से ओखलढुंगा से लक रामेछाप से लक सिंधुली के कोनो बात नहीं, जनकपुर आबि के विवाह करे छले, त अखन फिर अहिना वैश्य युग छै त कते लोग कहै छथिन जे नहीं जनकपुर के डेस्टिनेशन मैरिज के लेल विकसित कयल जा, तो जरूर करू, तहू में शुभकामना आई, लेकिन परिक्रमा सड़क से बाहर, परिक्रमा सड़क के धामे रह दियौ, वही सब बाहर जे करे के होइए, राजधानी क्षेत्र बनाओ, मनोरंजन क्षेत्र बनाओ, शैक्षिक क्षेत्र बनाओ, आध्यात्म क्षेत्र बनाओ, सैनिक क्षेत्र बनाओ, जो क्षेत्र बनाबे के होइए बनाओ, लेकिन परिक्रमा सड़क भीतर के
किशोरी जी के जगह छै ओकर पवित्रता के धाम के रह दियौ। उ धाम जे रहतै ओहिठाम जे माथ टेके जमीन पर तो मुक्ति भेट जाए से धामे रहे। हमर घंटी बाजे के समय होबे लागल। कह के बात तो बहुत छल लेकिन कहे छै जय जय है किशोरी जी कह दियौ तो सब किछु भ गेलै। तो जय जय है किशोरी जी एतक बात सुनलो बहुत बहुत धन्यवाद। विवाह पंचमी के मनाऊ आ कोविड से बच के रहू। यदि मास्क लगेबे ने तो औरो बहुत बात बचते। थू थू नहीं करब आ कोविडे नहीं औरो जे वायरस के बहुत छोट मोट रोग सब होइ छै ओहो सब से सुरक्षा होत। तो नहीं छोड़ू गमछो से सही नाक कान झाँपने रहू। आ जाड़ में तो और बच के अ अपना पर ध्यान दिय। अपन जे प्रिय लोक सब छै तिनका सब पर ध्यान दिय। सचेत भ के रहू। धर्म कर्म जे छै से अंततः संसार के ब्रह्मांड के हित के लेल छै पाखंड के लेल नहीं छै। पाखंड से बचू से अपने सब से अनुरोध है। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।